चले भैया वापस क्लास के आते में अपने ईश्वर जब वापस आए ना तो मैम से ना वहां से दो माइक और रिसीवर हम ले आना। हाँ भाई क्लास कुछ चल रहा था इस चैप्टर के अंदर, आप लोगों ने पढ़ाई करी वहां तक की? अभी तक कुछ चल रहा था इस चैप्टर के अंदर, क्या आप लोगों ने इतना घर पे पढ़ाई करी? यस सर। या नहीं पढ़ाई करी? एक बार नजर डाल लो जो लास्ट क्लास करा है। लास्ट क्लास एक टेस्ट करा रहा हूँ लुकास टेस्ट, उसको एक बार सब बच्चे ऑब्जर्व कर लो, लुकास टेस्ट देख लो, देख लो क्या करा है। आशु यहाँ पे चिको बैठा है, आगे आ जाओ। वन डिग्री वाले हैं तो नहीं, कुछ बच्चे रेगुलर छुट्टी पे हैं, इनका क्या सीन है भाई? एक जैसे कि मैं ऊपर हो गया, हम इसका अर्जुन वो आने नहीं आना क्लास नहीं पता नहीं बहुत हो गया तुम लोगों शोर। देखिए ऐसा है, मैंने ना सबसे पहले आप लोगों को प्रिपरेशंस कराई थी भाई, लक्ष्य बस छोड़ दे, देख ले। टेस्ट में आप लोगों को भेज चुका हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट के टेस्ट हैं आप लोगों के, कौन सी डेट्स को हैं, ठीक है? आप लोगों को उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है टेस्ट की। पता लग गए टेस्ट ना? टेस्ट आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने बताया होगा शायद, इलेक्ट्रो का बताया, किसका बताया? इलेक्ट्रो का बताया। सो इलेक्ट्रो कवर कर लो अपना, और जिस डेट को टेस्ट है उसके लिए तैयार रहना भाई, ठीक है? क्योंकि उसके बाद पीटीएम है फिर से, ठीक? हाँ बोलो। लैब तुम लोग बोलो भाई, करा दूंगा बच के। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? लुकास का 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल नहीं है, मैंने चेक करा था 1 डिग्री। ठीक है कौन सी कराई है? कलर वाली पेपर क्रोमेटोग्राफी रिटार्डिंग फैक्टर, ठीक है? चले भाई बस भाई, अब बातें बंद कर दो, बहुत होगी भाई, बस लगन बोर्ड पे। देखो ऐसा है, अल्कोहल चैप्टर के अंदर हमने अब तक काफी सारी रिएक्शंस करी है, मैंने आपको इसकी प्रिपरेशंस पूरी करवा दी है, और मैं केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट पे था। अगर आप लोग क्लासेस में आ रहे हैं तो आप लोग कोशिश ये करा करें कि नेक्स्ट क्लास में पिछली क्लास का रिवाइज करके आओ, और अगर आप क्लासेस नहीं ले पाए हैं अभी तक की तो फिर आपका काम ये है कि आप वीडियो जरूर कवर करके, ज्यादा चीजें मत निकलने दीजिए। अब तक हमारे कितने चैप्टर्स हो चुके हैं? मेरे हिसाब से 4 हो चुके हैं, 5वां चल रहा है ना, 50% सिलेबस हमारा खत्म होने वाला है। और आप अपने आप को देख लीजिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं, 50% ही बचेगा इस चैप्टर के बाद बस, ठीक है ना? थोड़ा सा अपने जो मेहनत का लेवल है ना वो थोड़ा बढ़ा दो भाई, तभी बात बनेगी, नहीं तो मॉडरेट जो स्कोर रह जाएगा आप लोगों का। मैंने भाई यहाँ पर आपको शुरुआत से अगर बात करूँ, मैंने थोड़ा रिकैप दे रहा हूँ, मैंने आप लोगों को अल्कोहल्स बताया था क्या होते हैं, अल्कोहल्स ये रहे भाई, फिनोल्स ये रहे, ईथर्स ये रहे, ठीक? इसके बाद प्रिपरेशन वाले पार्ट पे आ गए, सिर्फ रिएक्शन में फोकस करना। मैंने पहली रिएक्शन तुम लोगों को करवाई थी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का मतलब है कि अल्कीन में पानी डालना, अल्कीन में पानी डालना, और याद करिए पानी डाला था मार्कोवनिकोव रूल से, जहां ज्यादा हाइड्रोजन थे वहां पर एच गया था, जहां कम हाइड्रोजन थे वहां पर OH गया था, कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इसके अंदर, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के अंदर, इज दैट क्लियर? उसके बाद जरा बताओगे मुझे, मैंने आप लोगों को हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करवाया, उसका मैकेनिज्म करवाया था, वो छोड़ दीजिए मैकेनिज्म आप लोग पढ़ लेंगे,
फिर मैंने रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराई थी, आपको पता है प्लस माइनस में टूटता है, वो कैसे टूटता है आपको पता होगा, प्रोसीजर अगर आपने पढ़ा है तो पूरा समझा तो नहीं पाऊंगा मैं भी, बस देखिए याद दिला सकता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। तीसरा केस बच्चों मैंने आप लोगों को करवाने की कोशिश करी थी रिडक्शन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न बताया था मैंने, CH2OH ऑक्सीडाइज टू CHO, CHO ऑक्सीडाइज टू COOH एंड उल्टा पैटर्न रिडक्शन में चलता है, और एक और चीज थी CHOH का ऑपरेशन सी डबल बॉन्ड में होता है, याद आ रहा है, और कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है ये सब आपको लिखवाया गया था, इसकी रिएक्शन आपको कराई थी। इसके बाद में तुम लोगों को लेके आ गया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे, बड़ी ही स्पेशल रिएक्शन है, प्रोसीजर तो बहुत लंबा था इस रिएक्शन का, लेकिन मैंने आपको बोला था कि इसको डायरेक्ट कैसे करना है, उसका एक तरीका है, इसमें आपको सिंपली एक पे एच और एक पे ओएच जोड़ना होता है एंटी मार्कोवनिक तरीके से, अल्कीनी होती है तो जो कम वाला होता है उसके ऊपर क्या जोड़ेंगे एच, ज्यादा वाले पे क्या जोड़ेंगे ओएच, आपका आंसर आ जाएगा, बनता है अल्कोहल ही है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर। रीजेंट याद कर लीजिए और प्रोसीजर याद कर लीजिए क्या बताया था, तो ये रिएक्शन अगर आपने अटेंड करी है तो आपको पता होगा इसमें क्या करा था, नहीं अटेंड करी है तो भाई क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन करवाए थे इसके मैंने याद आ रहे हैं, तो ये चार तो बच्चों प्रिपेरेटरी मेथड थे इसके, और बहुत मुश्किल नहीं थे चारों प्रिपेरेटरी मेथड, बहुत आसान थे। इसके बाद मैं तुम लोगों को लेके आ गया था किसके ऊपर, बोलो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स पे, अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर दी थी, जिसमें जो पहली केमिकल रिएक्शन थी बच्चों मैंने आपको PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ कराई थी, ये तीनों रिएक्शंस जो हैं PCl3, PCl5, SOCl2 ये आप लोग अल्कोहल चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हो, हैलोजन चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हो, जब अल्कोहल के जरिए हैलोजन बनाए थे, ये हैलोजन ही तो है, तो फिर पिछले चैप्टर की चीजें आ गई। यहां बात करते हैं लुकास टेस्ट की, व्हाट इज लुकास टेस्ट, सो भैया कहते हैं अल्कोहल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं HCl से, जैसे HX का मतलब क्या है बोलो, HCl ही तो हो गया ना, X माने हैलोजन होता है, तो ये एसिड ये बेस तो बोलो क्या निकलेगा, H2 निकलेगा, तो वाटर बन जाता है और हैलोजन बन जाता है, एंड यू नो दैट वाटर और हैलोजन उतने सॉल्युबल, तो टर्बिडिटी बनती है, प्रेसिपिटेट जैसा कुछ बनता है, लेकिन कहते हैं कि 3 डिग्री वाला हो तो ये टर्बिडिटी एकदम बनती है, इमीजिएट टर्बिडिटी बनती है, बिकॉज आपको पता है 3 डिग्री वाले बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, रीजन आपको बताया गया था कि तीनों CH3 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, जिसके कारण इस कार्बन के ऊपर हाईली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड को जल्दी जोड़ता है, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल वाला रिएक्शन तो देता है बट ये टर्बिडिटी एकदम नहीं बनाता, 5 से 10 मिनट बाद बनाता है, और 3 डिग्री वाला टर्बिडिटी बनाता ही नहीं है एक तरीके से, क्लियर, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, 1 डिग्री वाला टर्बिडिटी बनाता ही नहीं, तो इस टेस्ट के जरिए मैं लेबोरेटरी में इनको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि कौन सा वाला अल्कोहल 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री, बिकॉज 3 डिग्री वाला अल्कोहल होगा वो लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करने के बाद टर्बिडेट इमीडिएटली बनाएगा, और 2 डिग्री वाला 5 से 10 मिनट बाद बनाएगा, और 1 डिग्री वाला बनाएगा ही नहीं। इसके जरिए मैं पता लगा लूंगा कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 डिग्री, कौन सी में 2 डिग्री और कौन सी में 3 डिग्री अल्कोहल मौजूद है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मानते हो यहां तक पॉइंट क्लियर है, चलो अगले पे आते, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, नाम है, अच्छा सबने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा हुआ है, क्या होता है जरा बताओगे, अल्कीन में पानी डालते हो तो क्या बनता है, चलो सुनो भाई, अब हेडिंग है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है भाई, सभी बच्चों की नजरें बोर्ड पे होंगी भाई, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो मुझे ये बताओ अगर अल्कीन में पानी डाला, हर्षित बताओ अल्कीन में पानी डाला तो क्या बना, अल्कीन नहीं पढ़ रहा ना बिल्कुल भी भाई, पढ़ाया था मैंने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो अल्कीन में पानी डालते तो बोलो क्या बनता है, अल्कोहल, तो अब तुम मुझे ये बताओ अगर मैं अल्कोहल में से पानी निकाल लूं, उस वाटर को इस तरफ करके माइनस कर दूं, तो बोलो क्या बन जाएगा, सही बात है, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर अल्कीन में पानी डाला तो अल्कोहल बना, तो अल्कोहल से अगर पानी निकाल लिया तो अल्कीन बनी, सही बात है कि नहीं, सो हेडिंग है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मींस हम अल्कोहल को बोलो क्या करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे, हाइड्रेट करना होता है पानी डालना, डिहाइड्रेट करना होता है उसमें पानी निकालना, सो अब हम अल्कोहल में से पानी निकालेंगे, और जब हम अल्कोहल में से पानी निकालेंगे इट विल फॉर्म अल्कीन, व्हाई इट विल फॉर्म अल्कीन, बिकॉज अल्कीन में पानी डलता है तो अल्कोहल बनता है, तो अल्कोहल से पानी निकलेगा तो बोलो क्या बनेगी, अल्कीन बनेगी, सही बात चल रही है कि चल रही, अब निकालने के लिए मैं किनका इस्तेमाल करूंगा भाई, तो एक बात सुन लीजिए, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ भाई, सचिन चुप हो जाना बस, अगले जितनी भी देर क्लास चल रही है, निखिल सचिन आदर्श पहले बोल रहा हूँ,
क्योंकि जिसमें बात चल रही है लेकिन आप उसमें ही बातें करते रहते हैं जिसमें क्लास चल रही होती है। नंबर बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं तेरे, तो बिल्कुल नहीं आ रहे सचिन, इनके फिर भी आए थे वो, चल बात करके देखो, तो वैसे नहीं करनी चाहिए बातें, सब साथ तो करता है इनके बीच में, नंबर नहीं एवरेज भी। मैंने बोला यहां पर कि डिहाइड्रेट करना है, मतलब किसी में से पानी निकालना है, अगर किसी में से पानी निकालना है तो हमें कोई एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए जो पानी को निकाले। अब पानी से कौन बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, पानी किस पानी को कौन बहुत पसंद करता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड पानी को बहुत बढ़िया पसंद करते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और आप जानते हैं कि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम कर सकता है। क्यों कर सकता है बोलो, क्योंकि पानी से ये बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, तो अल्कोहल में से पानी को निकाल लेगा और उसको बोलो क्या बना देगा, अल्किन। मेरी बात समझो, हम डिहाइड्रेशन करने जा रहे हैं अल्कोहल का और उसके लिए हमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत है, तो हमने जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया बोलो कौन लिया, बोलो H2SO4 लिया। तो मैं आपके सामने एक रिएक्शन रखता हूं, आप ध्यान देखना, मेरे पास है CH3CH2OH, ठीक है, और मैं यहां पर लेता हूं बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर भी यहां पर ठीक ठाक लिया जाता है, ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर नहीं लेते, टेम्परेचर यहां पर लेते हैं 443 केल्विन के आसपास, ठीक है, 443 केल्विन का टेम्परेचर भी लेते हैं। तब होता क्या है भाई, क्योंकि ये तो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब कि क्या निकालने की कोशिश करेगा बोलो, वाटर को निकालने की कोशिश करेगा। अब वाटर निकलेगा कैसे, तो जैसे वाटर जुड़ा था वैसे निकलेगा, जुड़ा कैसे था बोलो, एक कार्बन पे एच गया था और एक पे बोलो क्या गया था, OH, अल्कीन के एक पे एच गया था और एक पे OH, तो निकलेगा भी ऐसी कि एक से OH निकलेगा और एक से एच, तो इस वाले कार्बन से अगर OH निकला है तो बगल वाले से बोलो क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो मुझे बताना जरा क्या बनेगा, अगर बगल वाले से H निकल गया तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में बोलो क्या आएगा, नहीं आया सर, सिंपल कुछ भी नहीं है, डिहाइड्रेट करने, डिहाइड्रेट करने का मतलब उसमें से वाटर निकालना, वाटर निकालने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट लूंगा, उसमें कुछ नहीं करना, जैसे पहले मैंने अल्कीन में पानी डाल दिया, इसमें अगर मैं पानी डालने को बोल दूं तुम्हें तो कैसे डालोगे बोलो, इस पे एच जाएगा उसको OH जाएगा, आ जाएगा वही आंसर, पानी निकाल लिया बोलो कैसे, एक से OH निकाल लिया, एक से बोलो क्या निकाल लिया, एच निकाल लिया। तो मैकेनिज्म भी कराऊंगा डोंट वरी, लेकिन आप पहले मामला समझ तो नहीं क्या चीज है। अब अगली बात सुनो, ये कौन सा वाला अल्कोहल था बोलो, 1 डिग्री। बच्चों अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लूं, ध्यान देना, अगर मैं कौन सा अल्कोहल ले लूं 2 डिग्री, कुछ ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, है भाई सही बना रहा हूं, तो कैसे निकलेगा रिजल्ट बताओ, वो जो चीज लिखूंगा बाद में लिखूंगा, रिजल्ट बताओ क्या आएगा, इस कार्बन से OH जाएगा तो बगल वाले से क्या जाएगा, H, तो बगल वाले चाहे उससे निकाल दो चाहे बगल वाले चाहे इससे निकाल दो, आपकी इच्छा है, और आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप इसको ऐसे लिखो, थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, आप इसको ऐसे लिखो CH3CHOH और बोलो क्या CH3, अरे OH जिस कार्बन से, दो कार्बन से, तो बोलो कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री, और जब 2 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट होगा तो जिस कार्बन से OH जाएगा उसके बगल वाले से बोलो क्या जाएगा, H, तो अगर इससे OH गया तो उसके बगल वाले से बोलो क्या जाएगा, H, चाहे ये वाले बगल वाले से, ये वाले बगल वाले से, तो बोलो आंसर क्या आएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, देखते कितने बच्चे इसका बहुत बढ़िया जवाब दे पाएंगे। प्रोसीजर तो ये है कि एक से OH निकलता है, बगल वाले से बोलो क्या निकलता है, H निकलता है। कहते हैं हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत है, 1 डिग्री के केस में कहता है कि बिल्कुल कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको लेना पड़ेगा, बट इन द केस ऑफ द 2 डिग्री अल्कोहल यू नीड ओनली 85% H3PO4। मतलब कि मुझे ना H2SO4 भी नहीं, मुझे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, मुझे फॉस्फोरिक एसिड से काम चल जाएगा, और फॉस्फोरिक एसिड भी पूरा प्योर नहीं, मात्र 85% फॉस्फोरिक। 85% का मतलब क्या है सर, ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा, देखो ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 100% कंसंट्रेटेड है भाई, 85% फॉस्फोरिक का मतलब है कि 15% पानी है, बाकी 85% ये भाई। तो इतने पर इतना तो मुझे एसिड चाहिए होता, मतलब लाइट कंडीशंस हो गई एसिड की, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, प्लस टेम्परेचर भी यहां पर कम हो जाता है, कुछ 368 के केल्विन के आसपास होता है, कोई एनसीईआरटी दिखाएगा एक बार, एग्जैक्ट टेम्परेचर नोट नोट ऑन करेंगे, दिखाना 440 है, कोई नहीं देख लेते। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, अरे सुनो, यस 440 है, टेम्परेचर में तो चलो ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल लेते के साथ ही एसिडिक कंडीशंस मुझे अब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात, हाँ एक और करते हैं, मुझे बताओ जरा ये किस प्रकार का अल्कोहल है, इस अल्कोहल को और बताओ, 3 डिग्री अल्कोहल, जब मैं इसको डिहाइड्रेट करूंगा, पहले मुझे आंसर बताओ सब बच्चे, मुझे आंसर बताओ कौन बचा था, आंसर आएगा इससे OH निकलेगा, बगल वाले से H निकलेगा, बोलो क्या आएगा, CH3C
डबल बॉन्ड CH2 और नीचे बोलो क्या CH3, चाहे ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो चाहे साइड से निकालो, प्लस में बोलो क्या आएगा H2O। कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल के केस में ना मुझे कंडीशंस और लाइट चाहिए होती है, मुझे अब बस 20% क्या चाहिए होता है बोलो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड एंड टेम्परेचर चाहिए होता है 358 केल्विन। गाइस ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैंने 1 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रेट करवाया उसमें से H2O निकलवाया तो मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए थी, फिर मैंने 2 डिग्री को निकलवाया तो मुझे लाइट कंडीशन चाहिए, और जब 3 डिग्री निकाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत थोड़ा सा भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम तमाम कर देगा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बहुत सारे बच्चों को पता है इसका लॉजिक क्या है ना, तो एग्जैक्टली कौन समझाएगा बिल्कुल कि अच्छे से सर ये मैटर हुआ है, कौन बताएगा? हर्ष बता भाई। तीनों CH3 जो लगे हुए हैं तीनों बहुत बढ़िया, फिर नहीं पार्शियल नेगेटिव तो बहुत बढ़िया बताया, उसके बाद वो बॉन्ड तोड़ क्यों रहा है? वो न्यूट्रल होना चाहता है, तो जब वो बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है भाई बात क्या है? बहुत अच्छा बताया हर्ष ने, मतलब हर्ष सुन रहा था जो चीजें उसको एक्सप्लेन करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, इन रिएक्शन एक दो दोस्त तेरे ताली बजा रहे हैं बड़ी धीरे धीरे, तो बजा दो भाई, चलो बहुत अच्छा। सुनो तो बात ऐसी है, क्लास सुनो भाई, जितने भी अल्कोहल्स हैं इसमें 3 डिग्री वाला अल्कोहल ना ये काम सबसे जल्दी करता है। देखो पीछे जो केस याद करो, एक बात बताओ अभी जो रिएक्शन करके आए हो, 3 डिग्री अल्कोहल एकदम टर्बिडिटी क्यों बना रहा है? क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है अनुराग, इस रिएक्शन में क्या होता है आपको पता है H2O निकलता है, क्या निकलता है बोलो, मतलब यहाँ से OH का टूटना जरूरी है सर, और 3 डिग्री वाला एकदम टर्बिडिटी इसलिए बनाता है क्योंकि बहुत जल्दी OH वहां से निकालता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने ये बात आपको यहां भी समझाने की कोशिश करी थी कि तीन तीन CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से और इस कार्बन को हाईली नेगेटिव बना देते हैं। अभी जब ये हाईली नेगेटिव बन जाएगा तो स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या कर सकता है बोलो, बॉन्ड को तोड़ सकता है, क्योंकि बॉन्ड को जब ये आगे शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा प्लस का, तो अपने माइनस को हटाने के लिए बॉन्ड को तोड़ता है ताकि इसके ऊपर प्लस आ जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें ऐसा काम होता जरूर है लेकिन सिर्फ कितने CH3 इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, दो, तो इसके ऊपर उतना ज्यादा नेगेटिव क्रिएट नहीं होता जितना ज्यादा इसके ऊपर होता है। खनक बात समझ आ रही है? ये दो CH3 इसमें भी डोनेट करते हैं, इसको हाईली नेगेटिव बनाते हैं, बॉन्ड ये भी तोड़ना चाहता है लेकिन शायद उतनी जल्दी नहीं तोड़ना चाहता जितना जल्दी ये तोड़ने में लगा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत नेगेटिव बन चुका है तो बॉन्ड तोड़ेगा तो प्लस आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इधर मात्र कितना CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है, एक, तो इस वाले कार्बन के ऊपर बहुत नेगेटिव है ही नहीं तो ये वाला बॉन्ड भी उतनी जल्दी नहीं तोड़ेगा, वो तो फिर बहुत ही स्लो है, होगा ही नहीं एक तरीके से रिएक्शन। तो मेरा कहने का मतलब क्या है भाई कि 3 डिग्री वाले में ऐसा क्यों होता है आपको समझ में आ रहा है? जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है, और रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसके अंदर है बोलो, 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर, फिर बोलो किसमें है, 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर है, फिर बोलो किसमें है, और ऐसा क्यों है आपको समझ में आ रहा है? ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप्स। क्लियर हुआ? अच्छा अब बात यह है बच्चों की, ये पढ़ तो लिया लेकिन इसका मैकेनिज्म भी जानना बहुत जरूरी है। आ जाओ, रिएक्शन क्या थी? CH3 CH2 OH, बोलो किससे करवाया था रिएक्ट, बोलो क्या आंसर बना था, बोलो आंसर क्या बना था, यही बना था। अब मैं कराने वाला हूं उसका, बोलो क्या, जिन चीजों का मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का कर रहे हैं जो एग्जाम में आएंगी, मतलब जो आपकी एनसीईआरटी देती है, बातें नहीं बच्चों, प्लीज बोर्ड पे देखो बस, 45 या 50 मिनट की क्लास होती है, बहुत तसल्ली से उसको समझा करो उस क्लास को। यहां मैंने बोला कि CH3 CH2 OH है, अब जिससे जो पूछूं वो बताना और सोचना कि देखो जिन बच्चों ने सुना होगा ना पहले उनको तो आती होंगी चीजें पहले वाले मैकेनिज्म में, आपको पता है H2SO4 से क्या निकलेंगे, H+ निकलेंगे, और मुझे बताओ जरा H+ किसको ढूंढ रहा होगा, कोई भी ऐसी चीज ढूंढ रहा होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगी। अब इलेक्ट्रॉन रिच चीजें कौन सी होती है, या तो नेगेटिव चीजें, या नेगेटिव चीज नहीं पॉजिटिव वाली नहीं हो सकती भाई, पॉजिटिव चीजें किसको ढूंढेंगे, या तो नेगेटिव चीज को, वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, या फिर कोई न्यूट्रल चीज जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो। ऑक्सीजन यहां पर एक ऐसा बैठा हुआ है जिसके बाद दो दो लोन पेयर बच जाते हैं, कहीं कैसे, इसके लिए बहुत बेसिक सा 10th क्लास का नॉलेज होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो ने बॉन्ड बनाया बाकी दो लोन पेयर रहते हैं हमेशा, क्या तुम भूल गए H2O के अंदर भी ऐसा ही होता है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बातें नहीं भाई, 6 में से 2 ही तो इस्तेमाल होते हैं हाइड्रोजन के लिए, 2 ही तो इस्तेमाल होते हैं हाइड्रोजन के लिए, बाकी के बोलो क्या होते हैं, 2
लोन। तो हाइड्रोजन यानी H प्लस ढूंढता है किसी ऐसे एटम को जो नेगेटिव हो या फिर इलेक्ट्रॉन रिच हो। इसको नेगेटिव चीज कोई नहीं मिलती, इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक कर देता है। बोलो किसके ऊपर अटैक करेगा? ऑक्सीजन। लेकिन फिर वही बात आती है, जब पॉजिटिव कंबाइंड हो किसी नेगेटिव चीज से, लेकिन पॉजिटिव कंबाइंड हो नेगेटिव से, तो बोलो क्या बनेगा? न्यूट्रल। बट क्या ये नेगेटिव है? ये खुद न्यूट्रल है। तो पॉजिटिव और न्यूट्रल कंबाइंड होकर बोलो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। बहुत अच्छे। सो मुझे बताओ जरा क्या बनेगा? CH3 CH2 O के साथ में H तो है, एक और H आ जाएगा। और कौन बच्चा बताएगा अब ये पॉजिटिव कहां लगेगा? ऑक्सीजन पे। शायद याद आ रहा है तुम लोगों को कि ऐसा पढ़ाया गया तुम्हें कि जब H प्लस जुड़ेगा ऑक्सीजन से, बच्चों जब H प्लस जुड़ेगा किससे बोलो, तो एक पॉजिटिव चीज किसी न्यूट्रल चीज से जुड़ रही हो। जब पॉजिटिव और न्यूट्रल कंबाइन होगा तो रिजल्ट कैसा होगा? पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। लेकिन आपसे सवाल ये कि H का प्लस ऑक्सीजन के पास कैसे चला गया? बताओ बताओ बताओ। क्योंकि एक सिंपल सी बात है सर, H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ध्यान से सुनो, H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। क्यों? अरे H के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। ऋषभ, H के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। लेकिन अगर तुमने H प्लस बोला हुआ, इसका मतलब उसके पास वो एक इलेक्ट्रॉन भी। तो मुझे बताओ जब वो जुड़ा तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए? बॉन्ड कैसे बन गया? तो ऑब्वियसली बात है, वो बॉन्ड बनवाया ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया कि भाई तुम लोग बॉन्ड बनाने के लिए बेसिकली, तो उसको दिया तो उसका प्लस हट गया। लेकिन कॉन्सिक्वेंटली किसके ऊपर प्लस आ गया? ऑक्सीजन के ऊपर। और कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि दो लोन पर कहां गए, अरे ये भी वहां पर ही है, मैं बना नहीं रहा हूं, बस ये भी वहीं पर ही है लेकिन मैं बना नहीं रहा। तो आप बस मुझे इतना बताने की कोशिश करो कि क्या तुम लोगों को ये वाला पैटर्न समझ में आ गया कि भैया जब H प्लस अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर तो इट विल फॉर्म CH3CH2OH2+। क्लियर? नहीं आया? अब मुझे बताना जरा, क्या आपको नहीं लगता कि H2O तो अपने आप में इंडिविजुअली बहुत स्टेबल चीज है? तो ऑक्सीजन यहां से अपने प्लस को हटाने के लिए क्या करेगा? यहां से बॉन्ड को तोड़ेगा। क्योंकि अगर ये बॉन्ड छीन ले, आप जानते भी है कि ऑक्सीजन कार्बन से अच्छा खासा क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड छीन ले तो उसका प्लस हट जाएगा। तो अपने प्लस को हटाने के लिए और अपने आप को एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो कि H2O होता है, कि ऑक्सीजन यहां से बॉन्ड छीनता है और जैसे ही ऑक्सीजन यहां से बॉन्ड छीनता है बोलो क्या निकल जाएगा? H2O। क्या निकल जाएगा बोलो? लेकिन कौन बताएगा उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद बचेगा CH3। ध्यान देना, CH3 और बनेगा CH2 और बोलो क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या मैं सही बना रहा हूं? अब आप जरा मुझे बताने की कोशिश करेंगे इसके बाद क्या होगा? कौन जानता है इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होता है हाइपर कंजुगेशन। क्या होता है? 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। एक बार मैंने शायद इधर भी बताया हाइपर कंजुगेशन, जब मैं तुम लोगों को पिछले चैप्टर के अंदर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन करवा रहा था। नहीं आ रहा याद? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन के दौरान मैंने करवाई थी ये चीज। तो क्या हुआ था सचिंदर? इस कार्बन के तो पूरे के कितने बॉन्ड है बोलो? चार बॉन्ड है। इसके कितने बॉन्ड है? तीन बॉन्ड है। तो यहां पर ये क्या करता है कि किसी तरीके से हाइड्रोजन के बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, जिसके जरिए ना इसकी भी स्टेबिलिटी आ जाए इसकी भी। तो वो देखो, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बच्चा हाइपरकंजुगेशन। मैंने बोला था एक बार मैं समझा दूंगा तसल्ली से, और तसल्ली से मैंने समझाया आपको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में। आपने तब भी नहीं पढ़ा तो फिर क्या कर सकता हूँ? तो ये वाला बॉन्ड आपको पता है यहां पर आ जाएगा। होता कुछ ऐसा है कि इस कार्बन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन? ध्यान से देखो तो छह। कैसे? तीन ही तो बॉन्ड है, छह इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने बोलो? आठ। तो ये क्या करता है? कहता है कि भाई मैं तेरा ऑक्टेट कैसे पूरा करूंगा? एक तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन लाऊंगा, एक तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से शेयर कर रहा हूं वो लेके आऊंगा तेरे लिए, और एक मैं हाइड्रोजन का छीन के ले आऊंगा। तो इससे क्या होगा जरा बताओगे? इससे क्या होगा जरा बताओगे? इससे ये होगा बच्चों, ध्यान देना, कि ये तो था ही, और वो जो दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ना, एक तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लाके इसको देता है। कहता हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तू रख, छह है ना तेरे पास, कितने बोलो? छह है ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तू रख और एक मेरा इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से शेयर करता हूं तुझसे करूंगा शेयर। तो बोलो कितने हो जाएंगे उसके? आठ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बोलो? फोकस करो, शिफ्टिंग चल रहा है, स्टेबिलिटी लानी है। कार्बन को पता है हाइड्रोजन से मेरा बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं जितना किससे बनेगा बोलो? कार्बन से। तो बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, दिस इज शिफ्टिंग ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बहुत बहुत बुकिश लैंग्वेज में लिखोगे तो बोलो क्या लिखोगे? द शिफ्टिंग ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन टू द कार्बन, पर्टिकुलर कार्बन। इसी को बोलो क्या बोलते हो तुम लोग? हाइपर कंजुगेशन। तो यही तो चीज है, शिफ्टिंग क्यों हो रही है? ताकि एक कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट जाए, उसमें स्टेबिलिटी आ जाए। तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड लेके इसको दे देता है 11th क्लास में, तो बहुत अच्छे से करा होगा। लेकिन आप मुझे बताइए जब ये ऐसा करेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बोलो? प्लस का, और H प्लस निकल जाएगा। तो मुझे बताओ फाइनल आंसर, बताओ सब बच्चे फाइनल आंसर बताओ। CH2 बन गया वो रहा, H2O भी निकल गया था ये रहा। कुछ कहेंगे सर कैटलिस्ट रिएक्शन में आया था H प्लस बन के, तो लास्ट में H प्लस बन के निकल गया कि निकल गया? नहीं आया विकास समझ में। तो जो H प्लस एंट्री लिया था वो H प्लस लास्ट में निकल भी गया, और ओवरऑल जो निकला है इस पूरे मॉलिक्यूल से बोलो क्या निकला? H2O। क्या निकला बोलो? नहीं आया ना समझे? H प्लस आया, H प्लस निकल गया, बीच में क्या निकल गया बोलो? H2O। तो इस पूरे अल्कोहल में से क्या निकल गया बोलो? H2O। अगर मान लो बच्चों पेपर में क्वेश्चन आया तो तुम डायरेक्टली क्या करोगे?
एक कार्बन से OH निकालोगे, बगल वाले से क्या निकालोगे, H, कहानी खत्म। ये तो पेपर के लिए, लेकिन अगर मैकेनिज्म करने को आया तो मैकेनिज्म में क्या करोगे, दोबारा सुन लो, अल्कोहल की जब H+ से रिएक्शन होगी तो H+ ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, वो बनाएगा OH2+, उसका प्लस आ जाएगा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन अपने प्लस को हटाने के लिए कार्बन से बॉन्ड छीन लेगा, बॉन्ड छीन लेगा, H2 निकल जाएगा, इससे कार्बन में प्लस आ जाएगा, जब कार्बन में प्लस आएगा तो बगल वाला कार्बन हाइपर कंजुगेशन करेगा। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है ना, उसको पता है खुद से कि जब ये दोनों सामने होंगे ना तो अटैक करेगा H+ पे, और जब ये करेगा तो ये भी उसको लॉजिकली पता है कि ऑक्सीजन अपने प्लस कैसे हटा सकता है, कार्बन से बॉन्ड छीन, और उसको यही पता है कि जब कार्बन में प्लस आएगा तो अब हाइपर कंजुगेशन एक लास्ट ऑप्शन बचता है, तो वो अपने आप मैकेनिज्म डिजाइन कर सकता है। जिसको चीजें समझ में आई थी वो मैकेनिज्म खुद बनाने लग जाता है, लेकिन समझ में आना जरूरी है उससे पहले। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन करके दिखा दो जी से। करना भाई जल्दी कर दो भाई। डन। क्या बोल रहे हैं? हाँ प्रियांशु, बन सकता है मेजर माइनर दोनों बन सकता है। सिज्जब रूल याद कर। अब बताऊंगा ना, हाँ
हाँ बिल्कुल हाँ भाई क्लास बोलो सारे डन आ जाओ भाई क्लास बोर्ड पे देखिए बहुत सिंपल सा फंड है आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है नाजी इधर अगर ये अल्कोहल है कैसे पता लगा अल्कोहल है ओएच लगाओ भाई अब कोई भाई मत कहना फिनोल है फिनोल में बेंजीन होनी चाहिए बेंजीन नहीं अल्कोहल है कौन गैस्ट्रस ऑफ वॉर है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये वाटर निकालेगा इसमें से वाटर निकलेगा अल्कोहल में से एल्कीन बनेगी निकालने का तरीका बहुत सिंपल है जिस कार्बन से ओवर जाएगा उसके बगल वाले से क्या जाएगा एच क्योंकि उसे जुड़ने का तरीका भी यही था एल्कीन में एक पे एच जाता है एक पे क्या जाता है ओएच तो निकलने का तरीका भी क्या होगा एक से ओएच निकलेगा एक से क्या निकलेगा एच लगन क्लियर है तो मुझे बताओ जरा क्या होगा यहां से अगर ओएच निकला तो इससे एच निकलेगा या इससे एच निकलेगा बात सेम ही है चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो रिजल्ट एक ही आना है बच्चों लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये वाला अगर कार्बन है तो इसमें कितने हाइड्रोजन है दो क्योंकि दो तो बॉन्ड है तो बाकी दो बोलो क्या होंगे हाइड्रोजन कि कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है ना भाई नहीं आता है समझ में तो इससे ओएच निकला तो बगल में दो एच थे तो मैंने कहा एक एच निकल गया एच टू निकल गया बोलो बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड अगर आपने ये आंसर लिखा है तो बिल्कुल करेक्ट है अच्छा पेपर में जनरली मैंने इस तरह के क्वेश्चन कम देखे क्वेश्चन जनरली उसी एलिफेटिक फॉर्म में आते हैं एलिफेटिक मतलब की चेन फॉर्म में आते हैं लेकिन इस तरह के बैक एक्सरसाइज में दिए हुए एक दो क्वेश्चन एक दो नहीं ज्यादा ही है बल्कि तो ये आपको आने चाहिए कंपलसरी है आप आने जरूर चाहिए समझ में आ गया वो चलो इसका बताओ नहीं इस तरफ से अच्छा एक बात और सुनो कोई बच्चा कह रहा है कि सर इस तरफ से अगर हाइड्रोजन निकालो तो बच्चों अगर इस तरफ से निकालोगे तो आंसर क्या आएगा बोलो आंसर ये आएगा और ये चीज बिल्कुल सेम है दिस टू आर मतलब डिफरेंट नहीं कह सकते यार आप उसको पलट दो वही चीज बन जाएगी क्लियर है तो मैं अलग नहीं बना रहा हूं चलो इधर आओ इस कार्बन से ओवर जाएगा तो इसके जस्ट बगल वाला कौन सा ये वाला इससे क्या जाएगा बोलो एच सृष्टि आ रहा था में तो यहां से ओएच गया तो इससे एच अब इससे एच कैसे तीन बॉन्ड तो हैं चौथा बॉन्ड किसका होगा बोलो हाइड्रोजन का तो ये निकला एच टू और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड तो सर ऊपर से निकाल दो ओएच नीचे से निकाल दो एच और बीच में लगा दो डबल बॉन्ड अगर ये आपने करा है तो बिल्कुल एक्यूरेट करा है भाई यही करा है हाँ भाई लखन नहीं करा ये ठीक है चलो इधर आ जाओ इस पे आ जाओ इस पे आ जाओ अगर इससे ओएच गया तो लखन किससे एच निकालू इससे निकालो इससे निकलेगा इसी से मैं एच भी निकाल दूं मैं बोल रहा हूं इससे ओएच निकाला तो एच किससे निकालूं दोनों से निकलेगा चलिए अगर इससे एच गया तो बोलो आंसर क्या आएगा प्लस में ओए बस प्लस में बोलो क्या आएगा अगर इससे निकला तो बोलो क्या आएगा बिल्कुल बताएंगे तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों देखो शोर नहीं डिस्कशंस नहीं बच्चों देखो जैसे मान लो इसके हजार मॉलिक्यूल्स हैं तो हजारों के हजारों ऐसा नहीं कि एक ही तरह का देंगे हो सकता है कि 600-700 ने ये वाला दिया और 300-400 ने ये वाला मॉलिक्यूल बनाया जो ज्यादा स्टेबल होगा वो वाला फॉर्म ज्यादा क्रिएट होगा है ना क्योंकि ओएच निकलने के बाद एच वहां से भी आ सकते हैं यहां से भी लेकिन कहते हैं कि आपको सिडजब रूल अगर याद आए जो मैंने कि पिछले चैप्टर में आपको कराया था तो सिडजब रूल में मैंने बताया था कि वो वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिनमें डबली बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स लगे हो या आप ये बोल दीजिए वो वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिनके डबल बॉन्ड बीच में हो जिनके डबल बॉन्ड तो ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी तो बच्चों ये वाली होगी मेजर और ये वाली बोलो क्या होगी ठीक चलो इसका बताओ आंसर अगर इससे ओएच निकला तो उससे एच निकल सकते हैं बगल वाले से और इससे भी निकल सकता है नंदिनी भाषण में आगे पीछे सो मेरा बताओ आंसर क्या आएगा मेरा आंसर क्या आएगा अगर सर इससे ओएच निकला और उससे एच निकला तो ये ऐसा बना लेगा
नहीं आया सही, ये नहीं आया बस, इससे OH गया, उससे H गया, तो H2O निकल गया और बीच में आ गया डबल बॉन्ड, तो बन गया ना ऐसा CH2। और दूसरा बॉन्ड बोलो क्या बनेगा, इससे OH गया इससे H जाएगा, तो बोलो क्या आएगा, यहां CH3 और यहां डबल, और ये आ गया H2। आप कहीं ना कहीं इसको मेजर बोल पाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड बीच में है बच्चों। मुझे नहीं लगता कि इससे डिफिकल्टी आपसे अराइज करी जाती है डिहाइड्रेशन को लेके, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे भी आसान आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन समझ में आ गया, हम तसल्ली से कर रहे हैं हर रिएक्शन को, लेकिन आपको ध्यान रखना है हर रिएक्शन को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्वेश्चन वगैरह पूरे बना रहे हैं। समझ में आ गई, अगले पे आते हैं बच्चों। अगला आप लोगों को ऑलरेडी आता है, जरा बताओ क्या तुम्हें अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन आता है, थोड़ा याद कर लेते हैं। ये है हमारी कौन सी रिएक्शन, चौथी है। चलो कौन बच्चा बताएगा भाई, 1 डिग्री अल्कोहल्स, कौन बच्चा बताएगा 1 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन किसमें होता है। चलो रिपीट कर रहे हैं, टॉपिक बिल्कुल रिपीट होगा, मैंने बोला था बाद में आएगा दोबारा से, फायदा होगा हमने जो पहले पढ़ा हुआ याद आ जाएगा। बोलो CHO का ऑक्सीडेशन, बोलो COOH का रिडक्शन, और इसका रिडक्शन, क्योंकि उल्टा चल जाएगा बच्चों। हो गया भाई, यहां पर भी मैंने ऐसे लिखवाया था CH2OH का ऑक्सीडेशन CHO, CHO का रिडक्शन, CHO का ऑक्सीडेशन, और बोलो CHOH का, क्या मैं सही कह रहा हूं। अब आप एक सिंपल सी बात है, लेकिन कैसे पता लगेगा कि कब ऑक्सीडाइज करना है कब रिड्यूस करना है, विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो यू हैव गिवन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। मैं कह रहा हूँ पढ़ते रह करो घर पे, जितना ज्यादा अभी मेहनत कर लोगे ना बाद में ऐसे लगेगा कुछ पढ़ने के लिए नहीं बचा, इतना ही सिलेबस है आप लोगों का, छोटा सा सिलेबस है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या आएगा बोलो, K1O4, और बोलो K2Cr2O7, किसी को याद नहीं है ना, सब नलायक है। CrO3, PCC, अब सुन लो ये तो वीक थे, ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। दोबारा रिपीट करवा दिया पूरा टॉपिक, बोलो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है, ऋषभ रिड्यूसिंग एजेंट बोलो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम प्लेटिनियम और निकल। अब एक सिंपल सा फंडा है, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो भाई आंसर बोलना शुरू करो, ठीक है शुरू करते हैं हर्ष से। हर्ष ये बताओ क्या लिखूं, बोल जल्दी, क्या बस ये चुन दूं, पूरा आंसर बोला करना। अबे CH2OH CHO बनता है भाई पूरा, तो अब ठीक है अच्छा मुझे एक बात आओ, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये कौन सा अल्कोहल है, ओवर जिस कार्बन से, वो 2 से। चल भैया बता बता क्या बनेगा, पूरा बोलना क्या लिखूं, ये बनेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें ये पैटर्न पे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखे, लेकिन इसमें अब एक एक्सेप्शन में बात सुनो। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, इस पूरे टॉपिक के अंदर मैंने तुम्हें 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन दिखाया, देखो 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का, आप 3 डिग्री का देख रहे हैं कई बार ऑक्सीडेशन है, बट अगर 3 डिग्री आ गए तो आ सकते हैं, देखिए कैसे करना है। अगर मान लीजिए कि पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन आ गया, ओए बस भाई, अगर पेपर में क्वेश्चन आया ये,
और लिखा आया कॉपर एट 573 केल्विन, आंसर बोलो क्या आएगा? बोलो आंसर क्या आएगा? चलो भाई अब मुझे तुम बस ये बताओ ये कौन सा अल्कोहल है, ये कौन सा अल्कोहल है और ये कौन सा अल्कोहल है? तो सब बच्चे मुझे बताओ 1 डिग्री अल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन क्या देगा आप लोगों को? ठीक ये वाला बताना CHOH क्या बन जाएगा, क्या सही बनेगा? और इसका क्या होगा? बिकॉज इसका तो मैंने ऑक्सीडेशन आपको करवाया नहीं है, तो एक बात ध्यान रखना, नहीं एक बात हमेशा ध्यान रखना, 3 डिग्री अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते। 3 डिग्री अल्कोहल्स जब ऑक्सीडाइज होने की बारी आती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे गेट डिहाइड्रेट, दे गेट, इनका डिहाइड्रेशन तो पढ़ा है ना आप लोगों ने। ध्यान रखना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में भी ये क्या हो जाते हैं, बोलो डिहाइड्रेट। अच्छा कौन बच्चा बता सकता है कि डिहाइड्रेट क्यों हो गए होंगे? एक ही रीजन है सर, इस पे तीन तीन CH3 मिलके जो बैठे हुए हैं ना, ये OH को टिकने ही नहीं देते, इतना डोनेशन करते हैं ना इस कार्बन को कि ये बहुत हाईली नेगेटिव हो जाता है, और जितने में कि ऑक्सीडाइज होता है उससे पहले तो ये बॉन्ड तोड़ देते हैं, उससे पहले तो बॉन्ड तोड़ देते हैं। अगर इसने उससे पहले बॉन्ड तोड़ दिया और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया तो आपको पता है हाइपर कंजुगेशन से बगल वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। कुछ नहीं समझ में आया क्या बोला सर ने? भाई मैंने ये बोला कि जो 3 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं, डायरेक्ट याद कर लो, 3 डिग्री अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा भी आ गया तो आपको उसको ऑक्सीडाइज नहीं करना, बोलो क्या करना है? डिहाइड्रेट। अब वो डिहाइड्रेट कैसे करते हैं? अरे यार डिहाइड्रेशन तो आज पहले कराया आते के साथ ही, तो बोलो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, एक कार्बन से OH निकालो, बगल वाले से बोलो क्या निकाल दो, H। तो मुझे बताओ जरा क्या आंसर आएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में बोलो क्या, H2। और यहां पर नोट में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी जाएगी, क्या बोलो, 3 डिग्री अल्कोहल्स डज नॉट ऑक्सीडाइज, इंस्टेड दे गेट डिहाइड्रेट। एक बार देखना वीडियो चल रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बोलो भाई कोई समस्या लगी तो बोलो भाई, फटाफट से मुझे बता दो भाई। हाँ भाई निखिल, मुश्किल लग रहा है अल्कोहल चैप्टर, मुझे बताओ आपको लग रहा है बड़ा आसान सा है? नहीं आसान। चलो मुझे एक बात दो, एक क्लास एक 2 मिनट का ना फाइनल मैं इसका रिकैप दे रहा हूँ चीजों का, नया टॉपिक नहीं कराऊंगा, नया टॉपिक इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि अल्कोहल्स हो गया फिनिश, अल्कोहल्स फिनिश हो गया, मतलब फिनोल्स नहीं हुआ है, सिर्फ क्या फिनिश हुआ है, तीन क्लास ऑफ कंपाउंड में से एक क्लास ऑफ कंपाउंड क्या हो चुकी है, और मुश्किल नहीं है, आपने देखा 8 रिएक्शन है, कितनी बोलो 8, उन 8 में भी रिपीटेशन